ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपने विवादास्पद बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में। करीमनगर में लंबी बीमारी के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग पर मुसलमानों को शेर बनने की सलाह दी और एक बार फिर अपनी 15 मिनट वाली बात दोहराई। उन्होंने कहा कि दुनिया उसी को डराती है जो डरता है और दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले और RSS वाले इसलिए उनसे डरते हैं, उन्होंने कहा उन्होंने मुसलमानों को शेर बनना होगा ताकि कोई चाय वाला उनके सामने खड़ा ना हो सके। मैं अपने लोगों से कहता हूं कि आप लोग इतने परेशान हैं, परेशान मत हो। ओवैसी ने यह भी कहा कि वो लोग मेरे खून के प्यासे हैं, याद रखो दुनिया उसी को डराती है जो डरता है और दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। सो सुनार की एक लोहार की इसलिए वो अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत करते हैं क्योंकि वो डरते हैं। इस दौरान उन्होंने 15 मिनट वाली बात फिर से दोहराई, जो 15 मिनट वाली बात को लेकर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, इसको लेकर वो पूरे दिन सुर्खियों में बने रहे। उन्होंने एक बार फिर से वो 15 मिनट वाली बात मॉब लिंचिंग के बहाने से दोहरा दी। लेटेस्ट और दमदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द न्यूज इंडियन और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।